इससे पिछली वीडियो में हम एक प्रॉब्लम कर रहे थे और ये जो प्रॉब्लम है यानी डिबेंचर इशूड इन कंसिडरेशन अदर देन कैश, ये वही प्रॉब्लम है यानी ये वीडियो उस वीडियो की कंटिन्यूशन में है। तो डिबेंचर जब कंपनी इशू करती है और बदले में कैश लेने की जगह जब कंपनी अदर देन कैश कुछ वसूल करती है, जिस तरह इससे पिछली वीडियो में हमने देखा कि कंपनी नेट एसेट्स ले रही है, नेट एसेट्स कहते हैं एसेट्स में से लाइबिलिटी माइनस करने के बाद जो कि जिनकी अमाउंट है 4 लाख रुपए। तो बिलाल इंडस्ट्रीज लिमिटेड 4 लाख रुपए के नेट एसेट्स ले रही है तलहा लिमिटेड कंपनी के, और बदले में इसने 4 लाख अमाउंट के बराबर डिबेंचर इशू कर दिए। अब जो फर्स्ट सिनेरियो है इससे रिलेटेड हम जर्नल एंट्रीज को पास कर चुके हैं। इसके बाद आज जो हम करने जा रहे हैं वो है बी सिनेरियो। इसमें क्या हो रहा है, नेट एसेट्स की जो वैल्यू है वो है 4 लाख रुपए, लेकिन तलहा कंपनी लिमिटेड कंपनी तलहा कंपनी हमें कहती है कि ये जो नेट एसेट मैंने देने हैं ये मैं 4,60,000 के ही दूंगी। अब पहले तो हम वैल्यू कैलकुलेट करते हैं कि जो एडिशनल अमाउंट है वो क्या है जो वसूल कर रही है तलहा कंपनी लिमिटेड, तो उसके बाद हम लोग एंट्री इसकी पास करेंगे। तो यहाँ हमने लिखा नेट एसेट की जो वैल्यू है, नेट एसेट्स कितने के हैं तलहा कंपनी लिमिटेड के, ₹4 लाख के, और तलहा लिमिटेड कंपनी क्या क्लेम कर रही है, कितनी अमाउंट इसकी लेना चाह रही है, यानी यहाँ हम लिख देते हैं कि वो परचेज करने की प्राइस अगर हम परचेज करते हैं यानी बिलाल इंडस्ट्रीज लिमिटेड परचेज करती है, तो तलहा कंपनी कहती है कि मुझे 4,60,000 ही चाहिए। अब कंपनी अपने नेट एसेट जो उसके असल एसेट्स हैं इस वक्त उससे ऊपर जो अमाउंट चार्ज कर रही है वो है यहाँ 4,60,000 में से अगर हम 4 लाख माइनस करें तो ये हमारे पास आती है 60,000। और जब कंपनी अपने नेट एसेट से ऊपर अमाउंट चार्ज करती हैं तो उसका रीज़न ये होता है उस कंपनी की अच्छी रेप्यूट होती है और उसका काम अच्छा चल रहा होता है, तो वो कहती हैं कि उसकी अमाउंट अच्छी रेपुटेशन जो होती है उसे गुडविल कहा जाता है। तो अपनी परचेज प्राइस से ऊपर जो वो कंपनी एक्चुअल नेट एसेट से ऊपर जो वो परचेज प्राइस चार्ज कर रही है उसको गुडविल हम कहेंगे। तो 60,000 गुडविल तलहा लिमिटेड कंपनी बिलाल इंडस्ट्रीज लिमिटेड से मांग रही है। तो अब इससे रिलेटेड हम जर्नल एंट्री किस तरह से पास करेंगे ये हम जानते हैं। ये हमारे पास जर्नल दिया गया है और ये जर्नल हम बना रहे हैं जो कंपनी खरीद रही है बिलाल इंडस्ट्रीज उसके बिहाफ पर। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे एसेट्स जो आ रहे हैं बिलाल इंडस्ट्रीज लिमिटेड के पास तलहा से उनकी वैल्यू है टोटल एसेट्स 6 लाख रुपए। तो ये 6 लाख रुपए हम लोग यहाँ पर लिख देंगे और इन एसेट्स में से जो हमने लाइबिलिटीज़ माइनस की थी और नेट एसेट्स हमें पता चले थे तो उन लाइबिलिटीज़ की वैल्यू कितनी है, कर्जे बढ़ रहे हैं एसेट्स भी आ रहे हैं कर्जे भी बढ़ रहे हैं, कर्जे जो बढ़ रहे हैं वो हैं 2 लाख के, यानी तलहा लिमिटेड कंपनी के 2 लाख रुपया कर्ज जो है उन पर वो हमने अब पे करना है। अब गुडविल की वजह से जो एडिशनल अमाउंट हमने पे करनी है तो गुडविल जो है उसमें हमारे भी अगर हम उस कंपनी को ले लेते हैं उसके एसेट देते हैं तो हमारी अपनी रेप्यूट में भी इजाफा होगा, उससे उसकी हमें खास वैल्यू पे कर रहे हैं जो कि अभी हमने कैलकुलेट की। तो गुडविल है यहाँ पर 60,000 रुपीज़ की और गुडविल एसेट होता है और एसेट में इंक्रीज को डेबिट करते हैं। अब एसेट्स और गुडविल को मिलाकर 6,60,000 बन गया जिसमें से लायबिलिटीज़ जो हमारे पास आई हैं वो 2 लाख की हैं, वो हमने लिख लिया। अब 6,60,000 में से अगर 2 लाख को हम माइनस करें तो बाकी 4,60,000 हमारे पास आएगा और इतनी अमाउंट के लिए फ़िलहाल जो कंपनी ले रही है ये एसेट्स या दूसरी कंपनी की लायबिलिटीज़ बिलाल लिमिटेड तो उस बिलाल इंडस्ट्रीज लिमिटेड तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसकी लाइबिलिटी है कि उसने तलहा कंपनी को 4,60,000 रुपये देने हैं। तो इसलिए तलहा कंपनी अकाउंट को क्रेडिट कर लिया गया है यहाँ पर क्योंकि लाइबिलिटी में इंक्रीज को क्रेडिट किया जाता है। अब जो मेन चीज़ है वो ये कि कंपनी ये अमाउंट पे नहीं करेगी, बिलाल इंडस्ट्रीज अमाउंट पे करने की जगह अपने डिबेंचर इतनी ही अमाउंट के
इशू कर देगी। यहाँ लिख दिया है डिबेंचर इशू डेट पार, तलहा कंपनी की लाइबिलिटी को हमने, हमारी लाइबिलिटी थी हमने ख़त्म किया और 460,000 के बराबर उनको डिबेंचर्स इशू कर दिए। जब डिबेंचर्स इशू कर दिए तो डिबेंचर जो है वो कंपनी के उसमें इजाफा हो गया। ये लाइबिलिटी होती है डिबेंचर्स, जिस पर कंपनी को इंटरेस्ट भी देना होता है, 12% है तो 12% इंटरेस्ट देना है, और एट द एंड जितने के डिबेंचर इशू किए गए हैं वो अमाउंट भी पे करनी होती है। जैसे अगर ये डिबेंचर जो हैं ये 5 ईयर्स तक के बाद ख़त्म हो जाएंगे यानी रिडीम हो जाएंगे, कंपनी वापस लेगी, तो 5 साल के बाद कंपनी ये अमाउंट भी दे देगी तलहा कंपनी लिमिटेड को। तो डिबेंचर लाइबिलिटी है, उसमें इंक्रीज हो रहा है और लाइबिलिटी में इंक्रीज को हमने यहाँ पर क्रेडिट कर दिया। तो इस तरह से नेट एसेट्स की वैल्यू से जो ऊपर कंपनी प्राइस चार्ज करती है वो प्राइस कंपनी अपनी अच्छी गुडविल की वजह से चार्ज करती है, और यहाँ पर ये 60,000 थी, ये हमने पहले कैलकुलेट की, उसके बाद हमने इससे रिलेटेड जर्नल एंट्री पास कर दी। अब अगर हम लोग थर्ड सिनेरियो को देखें तो यहाँ नेट एसेट्स की जो वर्थ है वो अभी भी है 4 लाख, तो हम लिख लेते हैं 4 लाख है नेट एसेट्स के, और यहाँ पर कितने अमाउंट पे की जा रही है या ये जो कंपनी है तलहा लिमिटेड वो अपने एसेट्स के लिए कितना क्लेम कर रही है, वो है 3,60,000। यानी इसका मतलब ये है कि हो सकता है इसकी रेप्यूट अच्छी ना हो, या इसके मुसलसल इस कंपनी के जो अपने एसेट्स को सेल कर रही है इसके मुसलसल लॉसेस हो रहे हों। ये रुपीस हमने यहाँ लिखा है, इसका मतलब है इसके नीचे भी जो अमाउंट है वो रुपीस में है, करेंसी उसके लिए रुपीस है। तो यहाँ 3,60,000 जो इसमें अगर वो कंपनी दूसरी अपने एसेट्स को बेच रही है, इसका मतलब है उसके मुसलसल लॉसेस हो रहे होंगे और वो असल अमाउंट से 40,000 रुपये अमाउंट कम ले रही है। और जो कंपनी इसे ख़रीद रही है यानी बिलाल इंडस्ट्रीज लिमिटेड, उसके एसेट्स की असल वैल्यू 4 लाख है, नेट एसेट्स 4 लाख के हैं, 3,60,000 में उसे पड़ रहे हैं, तो जो 40,000 है वो है उसका रिज़र्व यानी उसे एडिशनल फ़ायदा हो गया, क्योंकि नेट एसेट जो हैं वो तो 4 लाख के हैं, 3,60,000 में मिल रहे हैं तो 40,000 का फ़ायदा हो गया, तो वो कैपिटल रिज़र्व अकाउंट में इस तरह के जो तमाम इस तरह की जो अमाउंट या सरप्लस या रिजर्व इसे हम लोग कहते हैं, इसके थ्रू जो अमाउंट आती है वो बिलाल इंडस्ट्रीज लिमिटेड अपने कैपिटल रिजर्व अकाउंट के अंदर ये अमाउंट शो करेगी। तो इससे रिलेटेड भी जर्नल एंट्री हम पास करते हैं बिल्कुल इसी तरह जिस तरह हमने फर्स्ट सिनेरियो में की, फिर सेकंड सिनेरियो में की, इसको हम लोग सी लिख लेते हैं थर्ड सिनेरियो को। तो इससे रिलेटेड भी अब हम जर्नल एंट्री बिल्कुल इसी तरह जैसे हमने पहले की पास करेंगे। तो ये हम आगे जर्नल में जहाँ पर हम लोग ये एंट्री पास करेंगे, डेट हम लोगों ने एज्यूम की है क्योंकि डेट हमारे पास नहीं है, डेट हम लोगों ने खुद से लिख ली, 1 जनवरी 2018 है ये। एसेट्स जो हैं उनके वैल्यू कितनी हैं, एसेट्स हैं यहाँ पर 6 लाख रुपए के, तो हमने यहाँ पर 6 लाख लिख लिया। इसके अलावा लाइबिलिटीज़ जो हमारी हम इस कंपनी की हमने ली थी वो हैं 2 लाख, और उसके बाद हम लोग यहाँ पर मेंशन करेंगे कैपिटल रिजर्व अकाउंट में यानी हमारे पास जो सरप्लस आया है इस परचेज की वजह से, जो हमें बेनिफिट हुआ है, एक्स्ट्रा अमाउंट हमारे पास पड़ी हुई है, वो हम लोग लिखेंगे 40,000 रुपये जो कि हमने कम पे किए हैं, वो हम लोग रिज़र्व में ये अमाउंट रख लेंगे अलग से, और फिर रिज़र्व को कंपनी जो है डिफरेंट कंपनी को आगे अगर लॉसेस होते हैं काम से रिलेटेड तो फिर रिज़र्व्स में से अमाउंट ये जो साइड पर रख ली जाती है, फिर लॉसेस के केस में ये अमाउंट निकाल ली जाती है। तो अब जो तलहा कंपनी अकाउंट है, तलहा जिससे हमने नेट एसेट्स लिए हैं, उसको हमने कितनी अमाउंट पे करनी है, कितने के लिए हम लायबल हैं, तो 6 लाख में से 2 लाख जो हमने उनकी लायबिलिटी ली, 40,000 जो हमें जो है परचेज पर जो छोड़ दिया गया है वो इसको माइनस करके जो बाकी अमाउंट रह जाएगी वो आ जाएगी जो तलहा लिमिटेड ने क्लेम की है कि 3,60,000 में मैं नेट एसेट अपने आप को सेल कर दूंगा। तो 3,60,000 अमाउंट के लिए हम तलहा लिमिटेड के कर्जदार हैं। तो हम अब क्या करेंगे, हम उन्हें अमाउंट देने की जगह यानी कैश इशू करने की जगह हम तलहा कंपनी लिमिटेड को
डिबेंचर्स यानी डिबेंचर सर्टिफिकेट्स इशू कर देंगे। तलहा कंपनी लिमिटेड लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी को ख़त्म कर रहे हैं क्योंकि हम लोग इसकी जगह डिबेंचर इशू कर रहे हैं। 360,000 को हमने यहाँ पर डेबिट किया। 12% डिबेंचर्स अकाउंट डिबेंचर जब कंपनी इशू करती है उसकी लाइबिलिटी में इजाफा होता है क्योंकि डिबेंचर लोन है और कभी ना कभी ये अमाउंट वापस करनी होती है। तो हम डिबेंचर अकाउंट को यहाँ पर इतनी ही अमाउंट से जितनी अमाउंट की हमने लाइबिलिटी ख़त्म की है और डिबेंचर इशू किए हैं क्रेडिट कर देंगे। यहाँ हमने 360,000 लिख दिया। तो यहाँ हमारा ये प्रॉब्लम कंप्लीट हो गया। हमने इस वीडियो में देखा कि जब कंपनी डिबेंचर इशू करती है और डिबेंचर जब इशू करती है तो कैश की जगह नेट एसेट्स को परचेज करती है, नेट एसेट्स कंपनी लेती है। तो उस सूरत में अगर कंपनी नेट एसेट्स के बराबर अमाउंट पे करती है एंट्री क्या पास करेगी, अगर नेट एसेट से ज़्यादा अमाउंट पे करती है तो एडिशनल अमाउंट को गुडविल कहा जाता है, एंट्री किस तरह से पास की जाएगी, और अगर कंपनी नेट एसेट्स की वैल्यू से कम पे करती है और कंपनी को इस तरह से जो फ़ायदा होता है कम पे करने का, तो जो कम अमाउंट होती है जो जितनी अमाउंट का बेनिफिट होता है उसे कैपिटल रिजर्व अकाउंट में रख लेती है ताकि इन केस फ्यूचर लॉसेस हो, फ्यूचर में कोई नुकसान हो तो इस अमाउंट को यूटिलाइज कंपनी कर सके। और इससे रिलेटेड जर्नल एंट्रीज किस तरह से पास की जाती हैं ये हमने इस प्रॉब्लम में सीखा।